बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ आप ही सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। आज के नए ब्लॉग का करते हैं आगाज़ और अपने बहन भाई रहने हमारे साथ साथ, तो जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। तो मोहित बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है अभी से, बिलाल है ना, सॉरी, तो इसे आप डॉक्टर के पास ले गए हैं क्योंकि रात भी सही यानी कि अभी इसके पेट में सलवाया और सुबह भी ले गए हैं, कोटी हुई। तो फिर ये क्या बांध दिया था, ये जहाँ से नाम लगाई है ना, वो है डोले के ना। अच्छा अच्छा, उल्टियाँ भी लगी, वो कहते हैं रुक जाएंगे लेकिन दर्द अभी भी हो रही है। और ये रात को भी इसने करी है, इसने पता नहीं लगाना कैसे क्या चीज़ गर्म चीज़ खा लिया जैसे नुकसान देगी है। मौसम भी ऐसा सही है ना, फिर बस पहले भी पिछले साल भी ये बीमार हो गया था, ये मौसम था जब भी अस्पताल में दाखिल रहा। सही है, बस अल्लाह ताला रहम करे। ये थल अस्पताल जाना है। अच्छा, सही है, ठीक है जी, चलो फिर से लेते, अल्लाह करे आराम आ जाए, ड्रिप वगैरह लगेंगे इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। कके क्या नहीं सर, बुखार तो नहीं, बस बच्चा पोटियाँ कर कर गया, निढाल आ पड़ा है। उसने कपड़े वगैरह बच्चों को पहना दिए, तो अब मैं लेके चली अस्पताल। तो कोई ज़्यादा कोई मसला आना फिर कॉल करके भाईजन बता देना, ठीक है। मोबाइल उठा लो अंदर से, अल्लाह ताला बस रहम करे। मुझे लगा बस ड्रिप वगैरह लगाएंगे तो पानी की कमी होगी, क्योंकि पोटियाँ कर करके ना बच्चा निढाल हो गया बिल्कुल। अभी पहिया में ना उसके पाँव आ जाए, या आगे बिठा लो, या मोबाइल लेने गए रुपये से, कोई नहीं टेंशन, अल्लाह ताला रहम करेगा, परेशान ना हो, कोई नहीं आराम आ जाएगा, अल्लाह कर करे। दुख तकलीफ हर इंसान पे आती जाती रहती है। कोई ऐसे ऐसा चल गए अस्पताल तो मेरे जिम्मे लगा गए कि भाई आप ही आपने ना बच्चों को ना चावल बना के दे देने, तो यहाँ पे मैंने चावल भी खो दिए, तो यहाँ पे मसाला लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना के रख दिया, बस तकरीबन तैयार हो चुका है, बिगड़ने वाला था। तो आपने प्यारे बहन भाई हो रुपया शशर के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी है, तो अल्लाह करे रुपया शशर के बेटे है ना जल्द से जल्द तबियत ठीक हो जाए। तो मुझे लगा आपके पापा भी आ गए हैं, तो मंडी गए हुए थे मुझे पकाने को लेके आए हैं, तो फिर मैं आप आटा गूंथ, मैंने भी रोटी बनानी है क्योंकि मैंने भी बस दिल नहीं करता कुछ खाने को, बस मैंने कहा चलो बच्चों का ना मैं ना चावल बना देती, खिचड़ी बना देती, रुपया शशर के भी हल्की सी आपने नमक मिर्च डाल के ना तो बच्चों को बना देनी है, तो अल्लाह खैर करे मैं भी आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह करे, चलो भैया बेटे मुर्गी का आप साठ रुपये करो, तो वो ड्रिप लग जाएगी, अल्लाह करे आराम आ जाएगा, क्योंकि ना रात का बहुत बच्चा ज़्यादा निढाल हो रहा है बेचारा, तो बस कुछ भी नहीं खा रहा, पानी वगैरह पे रहा, वो भी उल्ट रहा है, जो उसे खिलाते हैं वो भी उल्टने लग रहा है, तो मुशन भी लगे, उल्टे भी लगे हुए, अल्लाह खैर करे। तो इंशाल्लाह डॉक्टर के पास गए हैं तो ड्रिप वगैरह की अल्लाह करे ठीक ठाक हो जाएगा बच्चा। तो बस प्यारे बहन भैया आपने बहुत बहुत दुआएं करनी है रुपया शशर के लिए, बेटे के लिए तो अल्लाह मैंने शफात है। तो भैया आप फटाफट भी यानी कि भैया टमाटर भी मैंने काट लिए, प्याज भी काट लिए, हरी मिर्चें भी काट ली हैं, तो भाई चूल्हे में आग जला के तब यानी कि अभी से ऊपर रखती हूँ मैं फटाफट ना बच्चों की खिचड़ी बना देता, कि बच्चों को भूख लग रही है, अभी यह है और मोहित आएगा, बस फटाफट यहाँ के बगल लेती हूँ, बस ये टमाटर मैंने काट लिए, आग जलाती हूँ चूल्हे में तो अभी से रखती हूँ। दीप के पापा सुबह सुबह गए थे मंडी, गए थे तो मंडी में से ताज़ी ताज़ी तोरियाँ लेके आए हैं, क्योंकि तोरियाँ इसलिए मंगाई हैं ठंडी हैं और सेहत के लिए भी अच्छी होंगी। और आप क्या लेके आए हो, केले भी लेके आए हो, अच्छा टमाटर, माशाल्लाह ये कह रहे हैं, तो छोटे छोटे ले आते हैं और कच्चे लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर क्या नाम है, जगह तो है नहीं रखने की, कच्चे हैं, चलो फिर ठीक है। और ये इनाम के लिए केले लेके आए हैं, ये भी मुझे दे दो, और ये आटा ये ड्रमी में डाल दो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हल्के हल्के प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और मनीप के पापा जो सामान वगैरह लाए थे वो उठा के मैंने अंदर रख दिए, तो अभी हम मनीप के पापा अस्पताल गए हैं बिलाल की तबीयत का पता करने, तो अल्लाह खैर करे। डाल दिए और साथ ही ये जो टमाटर वगैरह काटे थे हरी मिर्च काटे यही बीच में डाल देंगे, बस क्योंकि ऐसे तरह का अभी हल्की सी ना लाल मिर्च डाल के बच्चे बदल, क्योंकि ज़्यादा तेज मिर्च नहीं खाते ना बच्चे, थोड़ा सा डिस्का पानी से करके चलो बच्चे पेट भर लेंगे। और आटा भी मैं गूंद ला, मैंने आटा गूंदती हूँ और चटनी स्टार्ट कर लेते हैं, तो शाम को फिर मैं तोरियाँ बना लूँगी ना, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो गर्मी भी हो रही है, तो बस मैं
चटनी करके और तभी पे ना फटाफट ना रोटियां बना लूंगी। मैं धूप तो वैसे आ गई सारी तभी पे, कोई बात नहीं, चलो खाना तो बनाना है ना। आज भी माशाला मैंने बना लिया क्योंकि आगे ना हल्की हो चुकी थी, तो मसाला यहाँ पे मैंने भून लिया है, देख सकते हैं बस हल्की भी मैंने मिल जाए, मसाला बन चुका है। आप इसमें डालती हूँ पानी, इसमें लगा करके अंदाजे से पानी डाल देती हूँ, बस इतना पानी हो जाएगा ताकि ये बच्चे ना नरम नरम खिचड़ी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी निकाल दिया, आटा भी साथ साथ गूंद लेती हूँ, तो किस तरह भी आटे कनी मर जाती है, फिर उसके बाद इनके बिना रोटी साथ ही बना लूंगी मैं। इतना आटा गूंद लेती है, फिर उसके बाद बच्चा माशाल्लाह जी चावलों का पानी पक चुका था, तो चावल मैंने बीच में डाल दिए हैं, तो बस नरम नरम चावल हो चुके हैं, जैसे रिक्वेस्ट से चावल बनाती वैसे ही मैंने चावल बनाए हैं, बिल्कुल नरम नरम वैसे ना। बस दम पे लगा देती हूँ और आटे मैंने यहाँ पे गूंथ रख दिया। अभी तो बहुत लगी हुई है, अभी वो कह रहे हैं शाम तक छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी शाम तक छुट्टी मिलेगी, अल्लाह ख्याल करे। बस इनाम को भी लग जाती है क्योंकि इनाम को भी मोशन लगने हैं, तो उसकी भी दवाई लेनी है, तो रोटी वगैरह बना के ना चावल वगैरह इतने बन जाते हैं, फिर बच्चों को खिला के फिर इसे इनाम की दवाई लेके आते हैं, फिर फिलहाल की तबियत का पूछेंगे, रिक्वेस्ट करके फिर हलवा लेंगे। तो जैसे जैसे भी इनके भी होगा अपने बहन भी शेयर करते रहेंगे। चावल वगैरह मैंने बना दिए और बच्चों को भी दे दिए हैं और मैंने रोटी बना के रख दी है, तो जब आएंगे फिर खा लेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के वास्ते और छोटे काके वास्ते चावल भी ले लिए, खिचड़ी वगैरह जो उन्होंने मैंने बनाई थी हल्की मिर्च की वो दे दी है, अगर रिक्वेस्ट का दिल करके खा ले दिए तो फिर बिलाल तो खा नहीं लगा भाई वो नहीं खा। अच्छा ये तो नरम गजा नहीं है वैसे, अच्छा ज़्यादा मिर्चें, चलो फिर ठीक है चलते हैं अस्पताल रुपया सिस्टर के पास। यहाँ पर जितनी धूप में खाला जो है चाय बनाने बह रही है। हाँ जी आपकी मम्मा आई हुई है, आराफ आई है और समीर बेटा आई हुई है, तो मैं अगर चाय बना लेती हूँ तो फिर शाम को फिर देखते हैं, फिर खाने वगैरह पे बनाती हूँ। फिर मैं तो अस्पताल में गई थी तो वहाँ से मैं होके आ गई हूँ, क्योंकि आपको पता है अस्पताल में वीडियो नहीं बना देते हैं, हर किसी का अपना अपना होता है। तो बस अब काफ़ी यानी कि ना माशाल्लाह ठीक था, बस बच्चा ना बार बार ना यानी कि अभी पोटियाँ कर रहा था, तो ड्रिप लगी हुई है। हाँ जी तो अल्लाह खैर करे शाम तक इंशाल्लाह ना छुट्टी मिल जाएगी अल्लाह खैर ना इंशाल्लाह। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? आज रात मेरे पास रह जाए, सुबह को चले जाएंगे। नहीं वो जाना है घर, फिर दूध नहीं मिलता ना वहाँ से, दूध यहाँ से ले जाना, मैं दे दूंगी आपको दूध। चलो आज ले जाएंगे फिर, क्योंकि हमारा फिर पक्का हो जाएगा ना दूध वहाँ पे। अच्छा बांधा हुआ दूध? हाँ जी। अच्छा अच्छा वो कहते हैं अगर एक दिन भी नागा होया ना तो फिर हम दूध नहीं देने के। और कल लिया था दूध? हाँ जी कल लेकर आए थे। हाँ जी गर्मी का था, गर्मी कितनी, गर्मी का पूछ ना, देख के कितना गर्म हो रहा है सूरज, क्योंकि सामने के था बस तकरीबन मुझे लग रहा 3:30 का टाइम हो गया। हाँ जी पिछाने भी कितने यहाँ के ढल आए हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, शुगर बेबी गए मुझे लग रहा है किसी काम से गए हुए, वो काम भाई ने बताया था किसी काम से गए हुए, आ जाएंगे फिर उसके बाद से, बस बाद में ना दूध रख दूंगी ना उठा के, फिर बाद में भाई को ना फिर चाय बना के दे दूंगी। पानी ओ अच्छा मैं पिलाती हूँ, तो चाय मैंने बना ली है, तो अब जाती हूँ नलके पहले पानी पिलाती हूँ बाजू को। ये लो बाजी आपकी चाय पकड़ो, मैं पानी ले रही हूँ और हादी भी चाय मांग। हाँ जी पानी पानी को कहते पा, मैं लेके आती हूँ पानी, तो कह रहा पा। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बस सही है गुजारा है। हाँ जी नाचा लेके आ रही है, चाय वगैरह हमने पी ली है। तो महविश बेटा और समीर बेटा अब जा रही है मामू के घर, फिर वहाँ से अपनी महविश बेटा अपनी इस पे जाएंगे बाजारों पे, या किस पे जाओगे? चांद गाड़ी पे। मैं तो कही शाम को महविश खाना खा के चले जाना, अच्छा हाँ, क्योंकि फिर आपका पता क्या घर भी दूर है ना, सफर है, फिर चंगा भला फिर कम से कम आधा घंटा तो है पक्का है ना। चलो फिर ठीक जाओ, अल्लाह खैर, अल्लाह मैं आपको खैर खैर से लेके जाए और खैर खैरे से दोबारा फिर मेरे पास आओ। आओगी ना?
चलो फिर ठीक है। आविश बेटा और सम्मी बेटा चली गई हैं, तो बारी फातिमा भाई जन के साथ जा रही हैं, क्योंकि बारी फातिमा कहती है मेरे से पैदल नहीं चल जाता। फिर भाई जन को कह मुझे अपना बाइक पे छोड़ के आओ, फिर जा रही माता कह रही इधर ही रह जाए, कल को चले जाए। अच्छा मैं तो कह रही अच्छा चलो फिर ठीक है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आदि बाय बाय, आदि बाय बाय, बाय बाय। अल्लाह ताला हमारी वाली को खुश रखे, अब्बू की जगह पे अम्मी की जगह पे अल्लाह ने सही सलामत रखे हमारे बहन भाइयों को। माशाल्लाह जी हवा भी अब चल चुकी है और काफ़ी माशाल्लाह जी मौसम बेहतर हो चुका है। और यहाँ पे जी भाई फरीदे ने पालक लगाई थी, कुछ पालक मुझे लग रहा ख़राब हो गई है, ज़्यादा तो मुझे लग रहा घास वगैरह ही होगी है, तो पालक मुझे लग रहा इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, जिनके ज़्यादा इतना मुनाफा नहीं होया। भाई यहाँ पे ये भाई ने मुझे लगा कहा होगा भी जानवर जिसने यहाँ पे छोड़ने वो छोड़ सकते हैं। भैंसें भी माशाल्लाह आ रही हैं, सारी माशाल्लाह काले काले भैंसें काफ़ी सारी आएंगी माशाल्लाह, खाने लग रही हैं, घास उन्हें मिल गया, चलो रज के खा लेंगे। हर यहाँ पे भाई ने बकरियाँ भी छोड़ी हुई हैं, छोटी छोटी हैं बड़ी भी हैं, और उस साइड पर घास लगा हुआ वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा सारा हो रहा है माशाल्लाह घास। और इस साइड पर भी यहाँ पे छिली लगी हुई थी, यहाँ पर भी घास लगा हुआ माशाल्लाह, कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है।